जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है नॉर्मली, ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 15 से 21 जून तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर देखेंगे। 1 से 14 जून तक का करंट अफेयर आ चुका है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग जो है 15 से 21 जून तक का वीकली करंट अफेयर देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया गया? तो यह जो आत्मकथा है यह आर अश्विन की है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। आई हैव द स्ट्रीट, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, यह आत्मकथा जो है यह आर अश्विन की है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को जो है लगातार तीसरी बार जो है देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। विश्व रक्तदाता दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस 2024 मनाया गया। और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वह दान का जश्न मनाने के 20 साल, रक्तदाताओं को धन्यवाद। यह जो है 2024 की थीम है विश्व रक्तदाता दिवस की। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, स्लोवेनिया के लिप्का में 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? यह जो है श्रुति वोरा बनी है। श्रुति वोरा जो है 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट का खिताब जीतने वाले जो है पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। जून 2024 में किस राज्य सरकार ने अंतर्राज्य हवाई सेवा सुविधा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है? यह जो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। और इसे जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है और भोपाल हवाई अड्डे से इस सेवा के तहत पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में किसे एक बार फिर राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? यह जो है सिरिल रामफोसा जो है यह दक्षिण अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। फिडे अंडर 20 लड़कियों की विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय कौन बनी है? यह जो है दिव्या देशमुख बनी है। दिव्या देशमुख जो है अंडर 20 लड़कियों की विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय बनी है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू किया है? तो यह जो योजना है यह असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू किया गया है असम सरकार द्वारा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मंदिर है रगन्या देवी मंदिर, इसे जो है खीर भवानी मंदिर के भी नाम से जाना जाता है और यहीं पर जो है दर्शन करने आते हैं कश्मीरी पंडित, और इसी अवसर पर जो है खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। और यह मेला हर साल लगता है, तो इस साल जो मेला है वह 14 जून को लगा था, 14 जून को मेला आयोजित किया गया। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल किसने लिखी है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। तो यह पुस्तक जो है वह अल्पना किलावाला ने लिखी है, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह जो है सुबैया नल्लामुथु को सम्मानित किया जाएगा और इसकी घोषणा जो है 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई थी।
इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। भारत की अंडर वाटर सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने अपनी तरह का पहला अंडर वाटर लॉन्च मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने का फैसला किया है, जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाएगा? यह जो है डीआरडीओ ने जो है फैसला किया है, और इसके तहत जो है इसने डीआरडीओ ने पुणे स्थित एक डिफेंस कंपनी है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, इसके साथ जो है अनुबंध किया है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने डीआरडीओ के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत एआई टूल कौन सा टूल विकसित किया है? यह जो है दिव्य दृष्टि टूल विकसित किया है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह जो इस संग्रहालय है यह गुजरात में स्थित है, और इसे जो है 26 जनवरी 2001 में जो भूकंप आया था और उसमें जो लोग जान गंवाए थे उनकी स्मृति में जो है गुजरात में बनवाया गया था, और इसे जो है यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। हाल ही में WHO ने किस शहर में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहसिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो यह जो संस्थान है यह बेंगलुरु में स्थित है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, और इसे जो है WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है WHO ने। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन को छोड़ने की घोषणा किया है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, तजाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आर्मेनिया ने जो है हाल ही में सामूहिक सुरक्षा संगठन संधि संगठन को जो है छोड़ने की घोषणा किया है, और यह संगठन जो है इस संगठन में कुल 6 देश हैं, और 1992 में सामूहिक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर 6 देशों ने किया था 1992 में, और 6 देश कौन कौन से हैं? आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान है, और रूस है, और इसका जो नेतृत्व करता है वह रूस है। ये 6 देश हैं और इन्होंने जो है 1992 में सामूहिक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। दोस्तों, अगर आप UPPCS प्री 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा UPPCS प्री 2024 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यह कोर्स आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं ले सकते हैं। इसमें आपको फुल स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरेंस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। पेड कोर्स के लिए आप हमारे नंबर 8564880530 या 7523864455 जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पेड कोर्स आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। लोकप्रिय हेमिस से चू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है लद्दाख में आयोजित किया गया हेमिस महोत्सव। इसका ऑप्शन भी जो है वह सही है। अगला प्रश्न उठते हैं हम लोग, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ द एड ए मम्मा एड फाइंड्स ए होम किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है यह आलिया भट्ट ने लिखी है। द एडवेंचर्स ऑफ द एड ए मम्मा ए एड फाइंड ए होम यह पुस्तक जो है आलिया भट्ट द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन भी जो है वह सही है। हाल ही में किस बैंक ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो यह जो है अपना भारतीय रिजर्व बैंक ने जीता है। इसका ऑप्शन बी जो है सॉरी ऑप्शन ए जो है वह सही है। हाल ही में किस देश में दुर्लभ मांस खाने वाले बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के मामले सामने आए हैं? तो यह जो है जापान से आए हैं। जापान देश में जो है मांस खाने वाले बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के मामले सामने आए हैं हाल ही में। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो यह जो है विशाखापट्टनम है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है, और इस रैंकिंग में जो है विशाखापट्टनम पोर्ट जो है 19वें स्थान पर है।
19वें स्थान पर है और कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के टॉप 100 में जो है टॉप 100 में भारत के कुल 9 पोर्ट शामिल हैं और एक पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, यह जो है 27वें स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हम लोग, हाल ही में किस राज्य के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश सकोरे को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने लैंड हीरो नामित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिद्धेश सकोरे जो है यह महाराष्ट्र के किसान है, इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए कितने लेखकों को चुना गया है? तो ये जो है कुल 24 लेखकों को चुना गया है बाल साहित्य पुरस्कार के लिए, और युवा पुरस्कार के लिए जो है कुल 23 लेखकों को चुना गया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगस्त में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत करेगा, अपना देश भारत करेगा मेजबानी तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नदी की गुणवत्ता की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली विकसित किया है? यह जो है जल शक्ति मंत्रालय ने विकसित किया है ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली, इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत अपना खुद का डीप सी मिशन शुरू करने वाला दुनिया का जो है छठा देश होगा। भारत जो है अपना खुद का डीप सी मिशन शुरू करने वाला जो है दुनिया का छठा देश होगा, इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? यह जो है केरल में आयोजित किया जाएगा मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024, इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है एस त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले निदेशक के रूप में, तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और किस मंत्रालय ने कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए एक ओएमओ साइन किया है? यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, हाल ही में जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए जो है एक ओएमओ पर जो है साइन किए हैं, इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 176वें स्थान पर है, इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। जबकि भारत जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है 2024 में 133वें स्थान पर है, 133वें स्थान पर, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है 176वें स्थान पर है, इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो यह जो है स्वयं और समाज के लिए योग, इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है? यह जो है 1% का कोटा सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया है कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को, इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। किस शहर में यंग इंडिया ग्रुप ने जापानी मियावाकी पद्धति से एक लघु वन विकसित किया है? यह जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लघु वन विकसित किया गया है यंग इंडिया ग्रुप द्वारा, इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। किस राज्य का सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार का मुख्यालय बना है? यह जो है असम का, असम सचिवालय जो है भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार का मुख्यालय बना है, इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी गेम्स 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जो है इसमें गोल्ड जीता है, नीरज चोपड़ा ने जो है पावो नूर्मी गेम्स 2024 में गोल्ड जीता है, इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? यह जो है आपका थाईलैंड बना है, थाईलैंड जो है
दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो है पहला देश बना है थाईलैंड। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विनोद गणात्रा जो है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। 13-14 जून 2024 तक 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। यह जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया जाएगा गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। 3-13 जून तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया। यह जो है बॉन जर्मनी में आयोजित किया गया 3-13 जून तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है। यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर ओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यह पेड ग्रुप जो है दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं ले सकते हैं। फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की जो फीस रखी गई है वह मात्र 5100 रुपये रखी गई है। अगर आप डाउट क्लियरेंस का ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 3600 रुपये रखी गई है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज और फुल स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में जो है पेड क्विज भी है। अगर आप सिर्फ ओनली स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं जिसमें जो है डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 2600 रुपये रखी गई है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ, इसके लिए जो है 1000 रुपये फीस है। अगर आप ओनली पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 1100 रुपये रखी गई है। इनमें से कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप 8564880530 या 7523864455 जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में सभी मौसमों में संचालन योग्य ग्रीन फील्ड डीप ड्रॉप मेजर पोर्ट के विकास को मंजूरी दिया है। तो यह जो है पोर्ट महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के वधावन में विकसित किया जाएगा और इसकी जो अनुमानित लागत है कुल वह 76,200 करोड़ रुपए है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। हाल ही में जारी क्रोल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार किसने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी का खिताब हासिल किया है। यह जो है रबड़ी कपूर नहीं, सॉरी, यह विराट कोहली ने। विराट कोहली जो है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। रणवीर सिंह जो है वह दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर जो है वह विराट कोहली है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। जून 2024 में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। यह जो है भर्तृहरि महताब बने हैं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। ब्रिक्स गेम्स 2024 की मेजबानी कौन किस देश ने की। यह जो है रूस ने ब्रिक्स गेम्स 2024 की जो मेजबानी किया है वह रूस किया है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर है। इसमें भारत किस रैंकिंग पे है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत जो है 63वें स्थान पर है और शीर्ष के देश में जो है वह स्वीडन है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये शीर्ष के देश हैं और भारत की जो रैंकिंग है वह 63वीं है। अगला प्रश्न देखते हम लोग। हाल ही में किस देश के अभिनेता थियो जेम्स को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने वैश्विक सद्भावना का राजदूत नियुक्त किया है। यह जो है यूके के अभिनेता हैं जियो थेम्स और इन्हों जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने जो है वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हम लोग। हाल ही में किस देश के
हाल में किस देश ने आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल USF स्थापित किया है? तो यह जो है यूक्रेन ने स्थापित किया है दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। जून 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए जो है कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2869 करोड़ रुपए जो है केंद्रीय कैबिनेट ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए जो है मंजूर किए हैं और यह स्थित जो है वाराणसी में स्थित है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।